आवाज़ हक बनकर ये चैनल आगे आता है। कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहद साहिब चिकनीदार ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज। नाज़रीन, आज हम इस इशू पर बात करने आए हैं, जैसे कि रियासती सतह पर CEDM कोचिंग मुख्तलिफ अहलियती इम्तहान के अंदर दी जाती है, एट ग्रुप्स वगैरह दिगर इम्तहान के अंदर भी रियासती हुकूमत की जानिब से ये कोचिंग दी जाती है, ताकि बेरोजगार नौजवान रोजगारी से लग सके। इसी जीवन में भैंसे की सरजमीन पर भी टेट इम्तहान को लेकर एक कोचिंग का आगाज किया गया है। यहाँ के चंद तालीम याफ्ता लोग, फॉर्म पर जज्बा रखने वाले लोग यहाँ पर खिदमत कल्ब के जज्बे के साथ इस फैसले को सामने लाया है, और भैंसा शहर की सरजमीन पर यानी कोखानिया स्कूल में इसका सेंटर तामीर किया गया। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें CEDM में कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन तारीख तय की गई थी, जैसे 21 अप्रैल से लेकर 11 मई तक ये तारीख थी, जिसमें सैकड़ों तुलबा तालिबात ने बढ़ चढ़कर अपने नाम का इकरार करवाया। तो आइए, इसी तरह भैंसे की सरजमीन के जिम्मेदार कौन है और किस तरह इसकी जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस कोचिंग का क्या मकसद होता है, इसी जीवन में आज यहाँ पर हम जिम्मेदारों की जानब पहुंचे हैं, और एक एक करके जिम्मेदारों के जरिए तमाम जो सवालात जो गश्त कर रहे हैं, इन सवालात के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि 16 तारीख से आगाज होने जा रहा है इस कोचिंग का, तो कई सवालात है कि अभी तक जो तुलबा अपने नामों का इंदराज करवाया है, अभी तक उन्हें कोई इंफॉर्मेशन या इतला नहीं की गई है। जैसे कि 16 तारीख के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो ऐसे में ग्लोबल एक्सप्रेस इन अवाम के सवालात को लेकर जिम्मेदारों के पास पहुंचा है और इनके जवाब लेकर हम बिल्कुल अवाम के दरमियान पहुंचाएंगे। आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम भैंसा शहर के एक नौजवान खिदमत कल के जज्बे के साथ तदरीसी पेशे से ताल्लुक रखते हैं, शेख परवेज, जिनकी खिदमत जूनियर लेक्चर के हिस्से से ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो सवाल करेंगे सबसे पहले कि इस कोचिंग के आगाज कब से? अस्सलाम वालेकुम, परवेज साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन की जो तारीख तय की गई थी 21 अप्रैल का 11, इसके साथ साथ कई तुम्हारा तालिबान ने बचर का हिस्सा लिया, लेकिन अभी तक कोई नतज नहीं आए, तो इतना उनको मौसम नहीं किए, तो इस तरह से जो कश्मीर शीर्ष क्या है, आप क्या उनको कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि 21 अप्रैल से ये मैंने CEDM की क्लासेस का आगाज बनाया गया था, 21 अप्रैल से 11 मई तक इसको करना अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई करने के बाद बाबा उनके पूरे लिस्ट स्टूडेंट जो अप्लाई करें पूरी लिस्ट आई गई है, उनकी पूरी डिटेल्स कौन से पेपर से ताल्लुक रखते हैं, पेपर वन और पेपर टू है, ये पूरी लिस्ट आई गई है, इंशाल्लाह उनका एक बाबा एक व्हाट्सएप ग्रुप कर उनके पूरे नंबर ऐड करके उनको उस तरीके से चला दी जाए, और जब भी कोई भी जमा कब से क्या क्लासेस के टाइम क्या है, कब से पेपर को पूरा उनको बताया जाए। दूसरा अहम सवाल ये है कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन की तारीख के बाद बहुत से लोगों को इसका इल्म हुआ, बहुत से लोग इससे नावाकिफ थे, तो क्या वैसे की सरजमी पर जो CEDM कोचिंग का आगाज किया जा रहा है, क्या इसके अंदर ऐसे तुलबा जिन्होंने अपना नाम इंदराज नहीं करवाया, क्या उनको मौका मिल सकता है, क्या वो इस कोचिंग अटेंड हो सकते हैं? मुख्तलिफ सियासत आगे या
सामाजिक कारकुनान कंज्यूमर की लाइन से भी कोचिंग दी जा रही है। तो ऐसे में एक सवाल यह है कि स्टेडियम के अंदर जो फायदे होते हैं जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो वक्त वक्त हमें यानी 20 डेज का पीरियड है यानी 20 दिनों का वक्त रह चुका है, तो ऐसे में क्या उनको किताबें मुहैया की जा सकती है? जी हाँ, उसका जो है पूरा प्रोसेस है, पूरा मटेरियल उनके लिए स्वागत का तैयार है। बस उनका जो है वो जैसा क्लासेस का आगाज हुआ इंशाल्लाह उसके दौरान जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करेंगे और जितने भी जो है फैकल्टी है पूरा जो है गवर्नमेंट फंड का सिलेक्शन किया गया बेस्ट और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो है फैकल्टी है इंशाल्लाह इसको सुनना है। बड़े साहब जैसे कि आपने मुख्तलिफ सवाल के जवाब दिए जिसमें अफवाह में जो कश्मकश का शिकार था, तो ऐसे कई सवाल आते जो आपने जो खुलासा भी किया मैं समझता हूँ ग्लोबल एक्सप्रेस जरिए वो लोग मुतमिन भी हुए होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि फाइनल जो सवाल है आपसे कि फैकल्टी से ताल्लुक से जैसे मुख्तलिफ जगहों पर भी कोचिंग दी जा रही है, वैसे पहले जहाँ पे सवाल है पूछा तो कहीं ना कहीं वो फैकल्टी से बेहतर हो सकता है क्या, यानी कि जब ऑलरेडी बच्चे वहां पर 30 से 40% सब्मिट कर चुके हैं तो वहां से अगर वापस आपके पास आना है तो कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि आपकी फैकल्टी को बहुत ज्यादा मुनसिब होता है, तो आपकी फैकल्टी किस तरह की और कैसे सेशन का है? तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस तैयार किया गया और फैकल्टीज के जो है बहुत सिलेक्शन किए हम लोग यहाँ पर जो है ना 10 ईयर 15 ईयर ऐसा एक्सपीरियंस रखने वाले जो फैकल्टीज होते हैं उन लोगों के नाम सिलेक्शन करें और उनके इंतजाम करके पूरा सिलेक्शन हुआ है और उसकी रेसिपी अभी तक इंशाल्लाह आज जाएंगे और ये पूरे फैकल्टीज वेल एजुकेटेड है और वेल टैलेंटेड है और वेल एक्सप्लेन रखने वाले और दूसरे जो कोचिंग सेंटर है उसके मुकाबले में ये बेहतर होनी ही चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जो प्लान करती है वो एक आम आदमी के जो है ना प्लान में नहीं होगा, वो खुद के जो है प्लान करके जो है ना हर किसी को जो है ना तैयार करके चलाती है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि अच्छी तरीके से धन्यवाद करें और अच्छे कोचिंग सेंटर का इंतजाम करें और मेहनत करें और जो मकसद है उस मकसद को पूरा करने की कोशिश। बहुत धन्यवाद, आपने मुख्तलिफ सवाल के जरिए जवाब को हासिल किया, उम्मीद है कि आपने समझ गए होंगे। इसी तरह पिछले कई सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देने वाले या इस तरह से बाहिसियत ऑडिटर इन्होंने आबिद साहब जो है आपके सामने खिदमत अंजाम दी, आप बरतर में से वाकिफ है, तो आइए इसी दिन सवाल करके आपके पायदान को खुश करेंगे। आबिद साहब से पहली बात कही कि हमने रजिस्ट्रेशन आने के अंदर फॉर्म में देखा रियासत तेलंगाना के अंदर मखसूस मकाम पर कोचिंग सेंटर को किया गया है, तो बाल भाव में दूसरे मकाम के मुकाबले में ऐसा शहर बहुत छोटा है, तो अभी यहाँ पर आने की वजह क्या है, इस तरह की जल्दी गई की गई या इसकी शिकायत से आप बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जैसा कि आप जानते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जैसी रियासत नोटिफिकेशन आया है उसको सबसे अहम नोटिफिकेशन तक जिसको टीएसकेट कहा जाता है, टीएसकेट 2022 के लिए तमाम अजला में इस कोचिंग सेंटर के तालुक से नुमाइंदगी की गई है मगर उसके बावजूद कई मुकाम पर कोचिंग सेंटर कायम नहीं थे, मुश्किल से 11 जिलों में या 11 कोचिंग सेंटर कायम किए गए हैं वो जिले ही सतह पर है, मगर यहाँ की उर्दू आबादी को देखते हुए और यहाँ के हमारे हानिबल एमएलए साहब जी उद्धव रेड्डी साहब एक सीधे साधु शख्सियत है, उन्होंने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए भैंसे डिवीजन के नौजवानों की दिक्कत उनके जज्बे को देखते हुए उन्होंने बारहा हमारे करते हुए पर्सनल तौर पर सीडीएम डायरेक्टर सुनले माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर सुनले एक नाथ साहब सुनले मिलकर किसी भी कीमत पर जिले सतह के द्वार दे ही रहेंगे प्रोविजन है उसका, मगर मेरी नुमाइंदगी के भैंसा डिवीजन जिले आदिलाबाद में सबसे ज्यादा टीचर्स ट्रेनिंग करके बैठे हुए सैकड़ों की तैदात है और यहाँ काबिल कबूल सेंटर माना। तो नाजरीन आपने यहाँ पर सीडीएम इंतजाम के जरिए सवाल के जरिए जवाब को हासिल किया, हम आखिर में ग्लोबल एक्सप्रेस की जानब से दो पॉइंट पर हम इसे मुतालबा करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जिस तरीके से जद्दोजहद करते हुए भैंसे की सरजमीन पर इन्होंने एक जज्बे के तहत सेंटर का आगाज किया, हम चाहते हैं कि जो तुलबा तालबात गफलत में थे
जैसे कि नवीन सर ने बताया कि इंसान गलती का वजह से हुआ, हो सकता है टेक्निकल की वजह से और साइड में प्रॉब्लम हुआ होगा, यानी कि 11 मई को जो अख्ताम हुआ, ऐसे में कुछ तुलबा आज भी भैंसा शरीफ की सरजमीन पर इस कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में ताखिर हो गए, जिसकी वजह से वो लापरवाही करे, ऐसे में वो लोग जो है सो चाहते हैं कि वो कोचिंग के जरिए जो है अपना दाखिला को मुमकिन बनाते हुए कोचिंग लिया जाए। तो हम मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सेंटर लाने के लिए उन्होंने प्रसन्न अली उद्धव चीफ कलेक्टर साहब, रियासती वजीर आईकेटी साहब, या दिग्गर जितने भी कायदीन हैं, जितने भी सुधारे उनके जरिए जिस तरह से जदोजहद करके उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मौका फराहम किया है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से जो तुलबा तलबा रजिस्ट्रेशन कराने में हमदर किए हैं उन्हें एक मौका फराहम किया जाए। दूसरी अहम बात यह है, सिर्फ अहम पॉइंट यह है कि जैसे कि हम देखते हैं कि वक्त बहुत कम है, तो हम ज्यादा से ज्यादा मुतालबा करते हैं हमारे जानब से कि यहाँ पर ज्यादा जो टफ सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जाए, जैसे कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, या फिर मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, या साइंस होता है, माँ बाप ही दूसरे सब्जेक्ट पर, क्योंकि वक्त तो बहुत ज्यादा हो चुका है। हम ऐसे की सरजमीन पर बहुत से तुलबा से मुलाकात भी किए, फर्दन उनसे सवाल भी किए, तो उन्होंने बताया कि 30-40% हमारा प्रमिशन मुकम्मल हो चुका है। ऐसे में जो उर्दू वगैरह होते हैं, दिगर सब्जेक्ट होते हैं, उसे थोड़ा सा बाजू में रखते हुए कम वक्त देते हुए ज्यादा से ज्यादा जो है बेहतर जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उनकी तरफ तवज्जो मरकूज करें। हम इतना कहते हुए विदाई लेते हैं आपसे, अल्लाह। अभी सर एक अहम सवाल है जो तुलबा बहुत सारा कश्मकश का शिकार है कि रिजेंसी का जो नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर बहुत सारे जो है सो लिस्ट आ जाती है, उसके बावजूद भी कोई एजेंसी के अंदर दाखिल होती है, या फिर ऐसे बहुत सारे मसाइल है जो एजेंसी को लेकर, तो आपका जो तजुर्बा है उस बुनियाद पर या रियासत हुकूमत की पॉलिसी पर आप क्या बात करें? देखिए सावधान इस तरह के मराहल हो चुके हैं, सावधान तजुर्बों के स्तर पर यह कहता हूँ कि जब तक के बच्चा रोता नहीं माँ दूध देते नहीं, हम हाथ पे हाथ रखे बैठने को हम नौकरी करने वाले भी हैं, ये अच्छी बात है जिन आप मेहनत कर रहे हैं। आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आप मेहनत करने के बाद आपको का प्रोस बताया जाएगा? मैं तमाम तालीम इलमों से और ट्रेड टीचर से उम्मीद रखता हूँ, उम्मीद अपील करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या है तो अपनी ख्वाहिश अपनी नुमाइंदगी अपने वहां की MLA साहब जी बुजुर्ग साहब से नुमाइंदगी करें और जिले के जो मिनिस्टर हैं साहब और KCR साहब तक के KCR साहब जो हमारे वजीरे आला तेलंगाना गवर्नमेंट के हैं उन तक बात पहुंचाई जाए कि TRD 2022 का नोटिफिकेशन आने से पहले जिले निर्मल और मुत्तहिदा तेलंगाना रियासत पर जितने भी उर्दू मीडियम मदारिस है, प्राइमरी मदारिस हो, अपर प्राइमरी मदारिस हो, हाई स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हो, उसमें जितने सैंक्शन कोर्स यानी कि मंजूर शुदा पोस्टा है उन तमाम पोस्टों को TRT 2022 में उसकी निशानदेही की जाए, नोटिफिकेशन में वो पोस्टों को शामिल किया जाए। वो पोस्टों को शामिल अगर करते हैं तो जितने सैकड़ों की तादाद में जिले सतह पर कोचिंग ले रहे हैं वो तमाम के तमाम लोगों को, मैक्सिमम लोग जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, जो अपने अंदर सलाहियत रखते हैं, वो लोगों के लिए खिदमात करने का मौका मिलेगा, दर्स तदरीस से वाबस्ता होंगे। और जब आप मेहनत करेंगे, नोटिफिकेशन में पोस्ट नहीं आया तो मायूसी हाथ में आती, मायूसी से हमको घबराने की जरूरत नहीं, मायूसी दुख रहे जब तक कि आदमी जिद्दोजहद नहीं करेंगे, क्योंकि जिद्दोजहद कोशिश है जाती माँ है, कोशिश करने से नहीं होने का काम होता है, काम करने से बेहतर है कर दिखाना। नोटिफिकेशन में ज्यादा से ज्यादा पोस्टा शामिल करने के लिए आज तारीख से ही मुखानी MLA से MLA के ऊपर दबाव बनाया जाए और KCR तक हमारी आवाज को पहुंचाया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि ग्लोबल एक्सप्रेस इस हमारे पैगाम को गवर्नमेंट के नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन साहब, इसके बाद हम चल और जो दुश्वारियां पेश आएंगे युवा को उन पर भी बात करेंगे। ये हमारे जाहिद लाल साहब के SGP है, इनसे भी दो सवाल के जरिए जो है आखिरी जो है जो डाउट होते हैं जो कश्मकश का शिकार है आप लोग जो सुकूफ होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जाहिद लाल साहब रजिस्ट्रेशन के अंदर रबते के लिए कॉन्टेक्ट के लिए जो है एक मोबाइल नंबर दर्ज करवाने के लिए थाना दिया गया था, हो सकता है कि ऑनलाइन के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या तो नंबर मिस हो जाए या गलत आ जाए, तो
तो वैसा परिवार तक किस तरह आपका होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत अहम सवाल है। अभी आपने विधानसभा साहब से और पंडित साहब से बहुत सारी चीज़ों को सुना, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसके अंदर हो सकता है उसने कोई और मोबाइल से अपना नाम लिखकर कोई और मोबाइल नंबर डालकर जो है वो फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सीडीएम सेंटर पर एक लिस्ट आई है, लिस्ट के अंदर जो जो तलबा के नाम है वो नंबर के साथ आए हैं, तो उसके लिए प्रवेश साहब एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर आपको एक कल से जो क्लासेस की तैयारी हो रही है, क्लासेस के क्लासेस कल से होने वाले हैं, तो उसके मुताबिक आपको उसके जरिए व्हाट्सएप के जरिए मालूमात दे दी जाएगी। फिर भी अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन तक व्हाट्सएप का मैसेज नहीं पहुंचा या उन तक इतना नहीं पहुंचे और वो जानते हैं कि कोई दूसरे कैंडिडेट को पहुंच गया और मैंने भी फॉर्म भरा था मुझे नहीं पहुंची, और वो जो बच्चा है वो अगर सेंटर पर आकर अपनी तफसीलात देता है और लिस्ट में अगर उसका नाम मौजूद होता है तो हम बिल्कुल उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और रोजाना अपडेट आपको देते रहेंगे। नाज़रीन, हमारे जब जो है ग्लोबल एक्सप्रेस स्पीकर, ऐसे कई सवाल थे पिछले डेढ़ या दो सालों से मुकम्मल तौर पर जिले भर के मुख्तलिफ मुकाम पर ग्लोबल एक्सप्रेस जद्दोजहद करते जा रहा है ताकि खिदमत खल के जज्बे के साथ हम आगे बढ़ें और हर अवाम के बिना भेदभाव हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बालाए ताक रखते हुए हर मसाइल के अंदर हमने आवाज उठाया। हंगामी हालात के अंदर भी हमारे कामरों को लेकर हमने अवाम के दरमियान पहुंचा, उनके मसायल को जानने की कोशिश की। इसी तरह सीडीएम के ताल्लुक से भी पिछले तीन या चार दिनों से मुसलसिल ग्लोबल एक्सप्रेस से तुलवा तारेबाद रबता कायम रखते हुए सवालत के जवाब हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे थे। हमने आज आखिरकार सीडीएम क्योंकि के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात भी की और चंद सवालत के जरिए आपका जवाब भी पहुँचाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ग्लोबल एक्सप्रेस साथ भी आपका तआवुन रहेगा और ग्लोबल एक्सप्रेस हमेशा आपके दरमियान था, हक था और हक रहेगा। आप हमेशा ग्लोबल एक्सप्रेस से अपने मसाइल को जोड़ते हुए अपने मसाइल